हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स रिलेटेड एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझेंगे और सीखेंगे उसे कैसे लिखना है अपने प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कमेंट्स या रिमार्क्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं किसी नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि कोई भी अगर आपका प्रोग्राम रीड करे तो भले उसको जावा आता हो या ना आता हो, फिर भी उसको समझ आ जाए, थोड़ा बहुत रफली आइडिया हो जाए कि आपने इस प्रोग्राम में किया क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाए। दोस्तों सबसे पहले आप अपने आंसर बुकलेट में जब एल्गोरिदम लिख देंगे पूरा, उसके बाद आपको प्रोग्राम लिखना है। नाउ प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप 4 से 5 लाइंस ऊपर में छोड़ दें, फिर पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम लिखने के बाद आप वापस उन बिगनिंग वाले लाइंस के पास जाएंगे और वहाँ अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करेंगे कुछ इस तरह। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जो होता है उसे खोलना होगा आपको। तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश और 2 एस्टरिक्स आपको लिखने होंगे। उसके बाद पहले लाइन में डिस्क्राइब करेंगे आप अपने प्रोग्राम को ब्रीफली इस तरह से। फिर नेक्स्ट लाइन में आप अपना नाम लिख दीजिएगा ऑथर करके। उसके अगले वाले लाइन में आप डेट लिख सकते हैं, किस डेट में आपने उस प्रोग्राम को लिखा है। फिर आप डॉक्यूमेंटिंग कमेंट्स को क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों जब आप ये ऊपर में लिख लें तो फिर अब आप अपने प्रोग्राम को पास जाएंगे। वहाँ पर आप बीच में देखेंगे कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट लाइंस अगर है जो आपको बताने हैं टीचर को, तो आप वहाँ पे कमेंट आउट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 लाइन में कुछ कमेंट्स लिख देता हूँ, आप देख लीजिए सिंगल लाइन कमेंट्स। दोस्तों सारे कमेंट्स और डॉक्यूमेंटिंग कमेंट्स लिख लेने के बाद आप एंड में एक डेटा डिस्क्रिप्शन या वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना दीजिएगा छोटा सा। ज़्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं है आपको, उसमें सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं जिसमें आप लिखेंगे वेरिएबल्स जो आपने यूज़ किया अपने प्रोग्राम में और उसके क्या यूज़ आपने किए उस प्रोग्राम में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनके पर्पज़ लिख देता हूँ, आप इसी तरह से लिख देंगे। दोस्तों जब आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो भी आप इसी तरह से डॉक्यूमेंटिंग कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन लिख देंगे। याद रखिए इस यहाँ पर आपको कंप्यूटर में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल टाइप नहीं करना है, वो सिर्फ आपके आंसर बुकलेट में होगा। बट कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके आंसर बुकलेट में और आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में भी जो आप टाइप करें उसमें भी होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी सारे पार्ट्स जो है
कंप्यूटर प्रैक्टिकल से रिलेटेड एल्गोरिदम और वाइवा से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं जल्द से जल्द पोस्ट करूंगा। आपने अगर नहीं देखा है वो एसओ स्टैक तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा वीडियो को ज़रूर। और बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से जाएगा। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, जितने जल्द से जल्द होगी हम लोग सारे वीडियोस को रिलीज़ करते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।